कैनरा बैंक दरभंगा ब्रांच द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के बलौर गांव निवासी जो वर्तमान में मनोज कुमार दास कैनरा बैंक में वर्तमान में महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं, इन्होंने अपने गांव के स्कूली शिक्षा जिस विद्यालय से इन्होंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी उस विद्यालय में इन्होंने 7,88,000 का फर्नीचर दिया है। वहीं चार छात्र के लिए एवं चार छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण की भी बात इन्होंने कही है। इस विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में इसी गांव के रहने वाले मनोज कुमार दास जो वर्तमान में कैनरा बैंक में महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने इस विद्यालय के लिए सरकार के योजना के तहत 7,88,000 एवं चार छात्र के लिए एवं चार छात्राओं के लिए शौचालय निर्माण की बात इन्होंने कही। वहीं इस अवसर पर इस गांव के बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्रा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपको बताते चले कि सरकार की योजना के तहत कैनरा बैंक दरभंगा ब्रांच द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत इस विद्यालय को यह राशि दी गई है। राशि से फर्नीचर खरीद कर दिया गया है। वहीं चार छात्र के लिए एवं चार छात्रा के लिए शौचालय निर्माण की भी बात कही। आपको बताते चले कि वर्तमान में जो ये कैनरा बैंक के महाप्रबंधक है वो दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के स्कूली शिक्षा इन्होंने इसी बलौर गांव के मध्य विद्यालय में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। इस पद पर जाने के बाद इनके मन में यह एक जिज्ञासा जगी कि अपने विद्यालय के लिए कुछ किया जाए। इसी क्रम में सरकार की योजना के तहत इन्होंने इतनी राशि की फर्नीचर और अन्य बात इन्होंने कही। मनीगाछी प्रखंड के बलौर गांव के रहने वाले हैं। दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। आगत अतिथियों को पाग एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। पूरा क्या कार्यक्रम हुआ देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। छात्राओं की सुविधा के लिए प्रसाधन के लिए 108 शौचालय प्रदत्त किया गया है। साथ ही शिक्षकों को बैठने के लिए 25 कुर्सियाँ, 5 अलमारी और 6 टेबल प्रदत्त किया गया है। इसके उद्घाटन के क्रम में कैनरा बैंक के महाप्रबंधक मनोज कुमार दास जी जो इसी विद्यालय के छात्र भी हैं और इसी ग्राम के निवासी भी हैं, साथ ही ये जो आंचलिक मैनेजर हैं सहायक महाप्रबंधक के जीएम साहब, पूर्णिया प्रिंसिपल के बाबुल जी और इस कॉरपोरेट को जो देखते हैं लोन सेक्शन को उसके प्रभारी, उसके बाद सीनियर शाखा प्रबंधक और अन्य सहयोगी यहाँ आकर के इस काम को जो है सुसंपादित किए हैं, जिसमें सो इस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री आदित्य कुमार तिवारी जी, योगेंद्र बाबू जी, शिवेंद्र सिंह जी। ये मतलब ये कुल कितनी की राशि आपको दी गई है? 7,88,000 रुपये की राशि प्रदत्त की गई। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय किसी ऊंचे पद पर हो लेकिन जब अपने गांव अपने समाज की बात आती है तो बढ़ चढ़ कर उसके लिए काम करते हैं, जैसा कि उदाहरण इस गांव में आके मिला और आप इसी गांव के रहने वाले हैं और महाप्रबंधक पद पर कार्यरत है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि कैनरा बैंक भारत के टॉप बैंक में से है। टॉप 3-4 बैंक में कैनरा बैंक है और हम जो हमारा जो सामाजिक दायित्व रहता है निभाने का, तो बैंक पूरे भारतवर्ष में दायित्व निभाती है अपना, जगह जगह पे सामाजिक कार्य करती है। और चूँकि ये हमारा यहाँ जन्मस्थली है, हम यहाँ पले बड़े हैं, स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरी इच्छा थी कि स्कूल में किसी न किसी तरह से जुड़े, तो मैंने संपर्क किया यहाँ शुरू में कल जनवरी महीने में यहाँ के जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे उनसे, तो क्या किस रूप में कर सकते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है स्कूल का। तो इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इच्छा रिक्वायरमेंट है कि बच्चियों का अगर कुछ शौचालय का व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने एस्टीमेट मंगवाया और 4-4 शौचालय दोनों बच्चे के लिए और बच्चियों के लिए हम बनवाने के लिए इन लोगों को स्वीकृत करके राशि इनको उपलब्ध करवा दिया। और साथ में जो स्कूल ये बेंच है, डेस्क है, अलमीरा, और आगे भी हमने हमारे सहायक महाप्रबंधक जो पूर्णिया रीजन के हैं उनको बोला हूँ कि अगर स्कूल में कुछ और बच्चों को छात्रवृत्ति अगर दे सके जरूरतमंदों को तो उसका भी एक्सप्लोर करें यहाँ पर। और ये अच्छी बात है जो हमारा शिक्षक का जो
कार्य है वो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा उन्नत आदरणीय कार्य है। और हम लोग जितने भी हर परिवार घर में आज लोग पले बढ़े हैं, इसमें इनका अभूतपूर्व योगदान है। हर घर से लोग पढ़कर आगे निकले हैं, अपना जीवन में देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं, तो इनमें इनका बहुत अहम भूमिका है। तो एक छोटा सा प्रयास है कैनरा बैंक का और आगे भी जारी रहेगा। और मैं यहाँ बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ यहाँ के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के सभी हमारे लोगों को और छात्र छात्रा जो आए हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आगे भी सहयोग कैनरा बैंक की तरफ से जारी रहेगा क्योंकि हमारा टॉप बैंक है पूरा इंडिया का। तो अब जैसा कुछ लोग यहाँ से और कुछ तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं तो मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ आगे किस रूप में और जुड़ा आ जाए। सर, कैसा खुशी महसूस हो रहा है जब अपने गांव के लिए आप काम करते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं? तो बहुत भावनात्मक ये क्षण है मेरे लिए कि मैं जब क्लास 4-5 में था तो मैं स्कूल में यहाँ बैठा करता था बेंच पर, तो वो इतने सालों के बाद इस जगह पर आके एक अजब जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। उस समय जो हमारा जितने भी जो दोस्त गण थे अब तो नहीं है यहाँ, अलग अलग जगह पे है, तो बहुत अलग टाइप का फीलिंग है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि स्कूल बहुत तरक्की करे, आगे भी बहुत लोग यहाँ से और आगे बढ़े। कितने वर्षों के बाद आप आए हैं? तकरीबन मैं करीब 40 साल हो गए, हालांकि मैं गांव आता था यहाँ पर, लेकिन ये स्कूल नहीं आता था, ये स्कूल इस तरफ नहीं आता। मेरा गांव उस तरफ अगले जहाँ अच्छी रेलवे स्टेशन है उसके पास है, थोड़े और आगे भी इस तरफ नहीं आ पाता था मैं यहाँ पर, हालांकि इच्छा बहुत रहती थी, लेकिन चूंकि पदस्थापित था देश में हर जगह जगह जाना पड़ता था तो छुट्टियाँ नहीं मिलती थी उनको, तो यहाँ आके फिर इस तरफ नहीं आ पाता था। आज भी मैं आया हूँ तो मैं मनीगच्छ स्टेशन की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं जब लहरिया से चला तो वहाँ से सुनकी और ये बाजितपुर होकर मैं अंदर से आया ताकि मैं सारे क्षेत्रों को फिर से देख सकूँ, और देख के बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं यहाँ पहुँच गया, कहीं कुछ रास्ता में कहीं कुछ दिक्कत नहीं, सारे सड़कें अच्छी बनी थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इस तरफ से मैं मकरंदा जो यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर जिसमें मैं पढ़ता था तो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था जो हमारे बड़े भाई आयोजित करते थे वहाँ किशोर कुमार जी, तो उस टाइम का पुरानी यादें सारा रिफ्रेश हो गया। बगल में यहाँ के ये शायद कोई भंडार सो यहाँ है भगवती स्थान, तो वहाँ भी जाया करता था अनुभव दर्शन करने भगवती के, तो सारे क्षेत्रों को दोबारा देख कर फिर से रिलीव कर रहे हैं दोबारा। सर, क्या कहेंगे छोटे छोटे बच्चे को जो यहाँ पढ़ते हैं? मैं बच्चे के लोगों को बस और सारे अभिभावकों को शिक्षकों को भी एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जीवन में भविष्य में अगर बेहतर नागरिक बनना है देश के लिए और अपने खुद के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ बनना है, शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कोई भी चीज़। हर लोगों को आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और यही भविष्य तय करेगा, परिवार का, देश का, समाज का, सारा भविष्य यही तय करेगा। तो शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दें अपने हर क्षेत्र में, और इसी से हमारी सारी विकास होगी, लोगों की सुख शांति सुखी बढ़ेगी। और आज देख रहे हैं हमारा भारत का देश विदेश में कितना ज़्यादा नाम हो रहा है, क्योंकि हर घर परिवार से, हर समाज से, हर जगह से लोग बच्चे पढ़कर आगे निकल रहे हैं। तो मैं सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ बच्चों के।